अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा BScS को, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंसेज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कोप क्या है BScS का, कोर्स आउटलाइन क्या है, और किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री करनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को ये डिग्री नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक भी IT से है, मैं पिछले 6-7 साल से अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर, तो मेरा ताल्लुक बहुत से न्यूली ग्रेजुएट्स के साथ रहता है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद उन आने वाले नए स्टूडेंट्स को गाइड करना है जो BScS के अंदर एडमिशन या BScS के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि मैं उनको प्रॉपरली गाइड कर सकूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं, जिनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 50% मार्क्स मांगती हैं FSC, IC या फिर ICS के अंदर। और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम मार्क्स 60% होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कोर्स आउटलाइन को। इस डिग्री के अंदर आपको ऑलमोस्ट 42-44 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे 4 साल के अंदर, और इसमें ऑलमोस्ट 11-12 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैथ से रिलेटेड है, और जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा कैलकुलस 1, सेकंड सेमेस्टर के अंदर एडवांस कैलकुलस, देन लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा और भी बहुत से मैथ्स के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सी लैंग्वेज, उसके बाद ऊप पढ़ते हैं जावा के अंदर, या सी के अंदर भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं, और इसके अलावा .NET, PHP, JavaScript, ये लैंग्वेजेस हम इस डिग्री के अंदर कवर करते हैं। इसके अलावा हम वेब डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो हम इन 4 सालों के अंदर पढ़ते हैं। और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। ये कोर्स आउटलाइन HEC की तरफ से होती है, और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ की जो ये कोर्स आउटलाइन है वो सेम होती है। कुछ सब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं कि कोई यूनिवर्सिटीज़ एडवांस कैलकुलस 3rd सेमेस्टर में ऑफ़र करती है और कोई यूनिवर्सिटी 2nd में ऑफ़र करती है, तो जो उनका सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को ये नहीं करना चाहिए। अभी हमने पिछले 4 सालों में देखा है कि CS की फील्ड जो है ना सबसे ज़्यादा सैचुरेट हुई है, बहुत ज़्यादा। हर दूसरा बंदा जिसे पूछो वो CS कर रहा होता है, और उसकी वजह ये है कि बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये प्रोग्राम ऑफ़र करना शुरू कर दिया, और ना सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने, प्राइवेट कॉलेजेस ने भी, छोटे छोटे प्राइवेट कॉलेजेस ने भी ये प्रोग्राम ऑफ़र करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो गई है। तो ये डिग्री मैं उन स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी है, और ये मैं उनको रिकमेंड नहीं करता जो मैथ्स के अंदर बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक दफ़ा तो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एडमिशन दे देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारा बैच था उसके अंदर ऑलमोस्ट 45-50 स्टूडेंट्स इनरोल हुए थे, और जब हमें जो जिन स्टूडेंट्स को डिग्री अवार्ड हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ 18 लोग थे। तो फिर बहुत से स्टूडेंट्स ड्रॉप हो जाते हैं, डिग्री सीज हो जाती है, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं कि जिन जो बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे नहीं होते। तो एक सप्ली आती है, 2 आती है, 3, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5 या 6 सप्लीज के बाद डिग्री सीज हो जाती है। तो वो आपके जो 2-3 साल के बाद जब डिग्री सीज होती है तो वो फिर आपका पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। तो आपको सोच समझ के इस डिग्री के अंदर आना चाहिए, और मैं हर आने वाले स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ जो भी कोर्स आउटलाइन आपको पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटी जस्ट आपको रास्ता दिखाती हैं।
आपने बाकी जो है वो डिस्कवर खुद करना होता है। जैसे वेब डेवलपमेंट है, यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ और सिर्फ HTML, CSS और बेसिक ये जो है ABC आपको सिखा देंगे। उसके बाद वेब डेवलपमेंट की इतनी वास्ट फील्ड है, उसको आपने खुद से डिस्कवर करना है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये डिग्री एक दूसरे की देखा देखी में भी करते हैं कि फलां कज़न अगर BSCS करने के बाद 3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था तो हम भी इस वजह से इस डिग्री में आते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसलिए है कि मैं जो भी जूनियर्स आते थे यूनिवर्सिटी में, तो उनकी रैगिंग वगैरह के दौरान जब उनसे क्वेश्चन किया जाता था कि CS के अंदर क्यों आए हो, तो उनका अक्सर में जो स्टूडेंट्स होते थे उनका ये जवाब होता था कि हमारा जो कज़न है वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है CS के बाद, इस वजह से हम इसके अंदर आए हैं। तो आपने अपना एप्टीट्यूड देखना है कि क्या आपका एप्टीट्यूड BSCS वाला है, क्या आपकी मैथ्स आपकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी है, क्या आपका इंटरेस्ट है। अगर है तो आप इस डिग्री में ज़रूर आइए। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।